सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम और फिर ईसा अलैहिस्सलाम। ये तीन पैगंबर ऐसे हैं कि जिनके नाम लेवा फॉलोवर्स भी आप कहना मुश्किल है, क्योंकि फॉलो तो करते नहीं है कोई। नाम लेवा इनको मानने वाले कि इनके रास्ते में अल्लाह ने निजात रखी है, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इनको मानने वाले लोग बोलो भाई मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ईसाइत है, वो किसको मानते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम की तो नहीं मानते, लेकिन बहरहाल उनको मानते हैं कि इनकी माननी चाहिए, इतना मानते हैं। वो मानते हैं कि निजात किस में है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ईसाइत है ना, जर्मन है, जर्मनी में ईसाई मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह। वो अलग बात है कि कुछ दिनों में इस्लाम बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंशाअल्लाह, ये तो रिपोर्टें हैं उनकी। और इस्लाम क्यों बनेगा? दो वजह से, एक तो ये कि उधर से बहुत बड़ा माल इधर आ रहा है, यानी उधर के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, ये जो लोग कहते हैं ना इस्लाम तलवार से फैला है, तो आज तो मुसलमान मغلوب हैं, अब इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है दुनिया में?